इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के व्रत की। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। तो हम इस एकादशी का व्रत कब करेंगे, कैसे करेंगे और इसका पारायण कब करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। आप सभी कृष्ण भक्त जो मन क्रम वचन से एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही शुभ कार्य करते रहें, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ये हम सबको बहुत सुख प्रदान करने वाला है। ये जो एकादशी है, जो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की इस समय आई है, कृष्ण पक्ष में आई है, इसे कामिका एकादशी कहते हैं। और इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा हम सभी करते हैं, मतलब श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं। और इस दिन ये एकादशी बहुत ही शुभ मुहूर्त में है। यह एकादशी चातुर्मास के कारण, जैसे श्रावण मास में चातुर्मास चलता है, श्रावण मास में होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसमें अश्वमेध यज्ञ जैसा फल देने वाली शक्ति आ जाती है, समस्त पापों का नाश करने वाली है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु को अर्थात शालिग्राम को तुलसी दल चढ़ाने का बहुत बड़ा फल है। तो अगर हम लोग इस दिन नारायण शालिग्राम पर अभिषेक करते समय तुलसी दल चढ़ाए तो उसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना ही नहीं, एकादशी के व्रत करने से बुरे कर्मों से भी मुक्ति मिलती है, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और बहुत सारी बातें और भी मान्यताएं मानी गई हैं कि एकादशी के व्रत करने से पूर्व जन्म के कई जन्मों के पापों का नाश भी हो जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ जो हो रहा है वो 30 जुलाई शाम 4:44 से शुरू होगी। जो व्रत तिथि है वो 31 जुलाई को हम लोग इसका व्रत है वो करेंगे, क्योंकि 31 जुलाई के शाम को 3:55 पे एकादशी संपूर्ण हो रही है। इसका मतलब है 30 तारीख को उदया तिथि नहीं है, उदया तिथि 31 तारीख को ही है। तो हमें उदया तिथि 31 तारीख का ही व्रत करना है, बुधवार को इसका व्रत करना है। और कामिका एकादशी व्रत का महात्मा अर्जुन ने भी पूछा था भगवान श्री कृष्ण ने, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पितामह भीष्म ने भी इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बताया है नारद जी के पूछने पर। तो हम सभी को बड़े मनक्रम वचन से एकादशी का व्रत करना चाहिए और पारायण हमें 1 तारीख को सूर्य उदय के समय करना है। और उस समय बहुत शुभ होगा कि अगर हम और आप सभी एकादशी जब पारायण कर रहे हो तो ब्राह्मण को भोजन जिमाए, गौ को कुछ ग्रास खिलाएं और नारायण भगवान को स्मरण करके ज्यादा से ज्यादा जाप ताप करें। एक और बात समझ लें, व्रत में झूठ नहीं बोलना है, व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी है, शालिग्राम की पूजा करनी है, ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा करनी है और ज्यादा से ज्यादा भजन करना है। जितना भजन आप एकादशी के दिन कामिका एकादशी के दिन करेंगे तो आपकी समस्त मनोकामना